अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज खाने में फिर रूखा सूखा, कभी तो अपनी गुलकी का कुछ चटपटा खिला दिया करो भाई साहब। अरे वाह हलवा। वाह वैसा, खाने के बाद हलवा, फिर तो तारी गुलकी कुछ भी रूखा सूखा खा लेगी। वैसा आपको कैसे पता मुझे मीठा खाने का मन हो रहा है? क्या हुआ वैसा, दो ना। नहीं ये थारे लिए ना है। ठीक है मारे को भी ना चाहिए, रखो अपने पास। कोई हलवे के बारे में पूछेगा तो मैं क्या कहूंगी? अगर करिश्मा मैडम ने पता चल गया कि हलवा लेके मैं आई थी तो कहीं वो सावित्री बुआ ने फंसा ना दे। वसु, करिश्मा मैडम को हलवा पसंद आया क्या? कल कुछ कहा तो नहीं उन्होंने तुझे? पसु क्या हुआ? बुआ, मैंने करिश्मा मैडम ने हलवा नहीं दिया। क्यों वसु, क्या हुआ? करिश्मा मैडम ने हलवा लेने से मना किया क्या? बोल ना क्या हुआ। तू बताएगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ है लाडो? असु, थारे को मारी सो, अब तू ये बात किसी से भी ना बोलेगी। असु, हमारा नया प्रोडक्ट पिछले प्रोडक्ट्स की तरह किफायती है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है ताकि इससे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आसानी से अफोर्ड कर सके। वाह बढ़िया। दे, ये किसने बांधा? ये हमारी मन्नत की मौली। अगर वसु का नाम लिया तो मासा का मूड खराब होगा। वो मासा मंदिर में किसी ने गुड लक के लिए बांध दिया था। बिजनेस में हमारी कंपनी अच्छा करे और मुझे अपने सवालों के जवाब मिलते रहे, इसलिए ये मौली। चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, जानते हो क्यों? क्योंकि उसके पास इतना मेहनती और टैलेंटेड सीईओ है। अभी कुछ कहना चाहते हो? दादा मैं मासा से कुछ बात करना चाहता हूं। कहो। मासा मैं करिश्मा से शादी नहीं करूंगा। फिर से पीकर आए हो क्या? मैं अपने पूरे होशो आवाज में बोल रहा हूँ मासा, और आज आप सबको ये बात समझनी होगी। आज तक मैंने आपकी कौन सी बात नहीं सुनी? आपने जो डिसीजन लिया मैंने समाना, लेकिन ये नहीं, ये मेरी लाइफ का सवाल है मासा। वो करिश्मा, उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको आपके पैसे में इंटरेस्ट है, आपके आपके इस घर में इंटरेस्ट है, आपके चौहान खानदान के नेम में इंटरेस्ट है। आपकी आंखों पे करिश्मा नाम का पर्दा चढ़ गया है, वो आप सबको पागल बना रही है और आप लोग बन रहे हो। बस एक लफ्ज और भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। क्या होगा, क्या होगा मासा? आपको जो करना कर लो, मैं उससे शादी नहीं करूंगा और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अभी मां से इस तरह बात करते हैं यार? और इज्जत से बोल बोल के थक चुका हूं मैं। आप सब लोगों को मेरा चीखना दिख रहा है, मेरा चिल्लाना दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा मैं कितने टाइम से परेशान हूं। अभी मां सा और काका सा से माफी मांगो। अभी रुक जाओ देव। अब हमारे बीच कोई नहीं बोलेगा। सावित्री,
हमें पहले से ही पता था कि तुम देव नहीं हो और एक ना एक दिन बदतमीजी पर जरूर उतर आओगे और अपने माँ बाप की बेइज्जती करने से भी बाज नहीं आओगे। इसलिए हमने पहले से ही ये फाइल तैयार कर रखी थी। आज के बाद चौहान ग्रुप ऑफ कंपनीज में तुम्हारा जो भी हिस्सा है उसे लिक्विडेट कर दिया जाएगा। मासा? उसके बाद चौहान एम्पायर का, चौहान खानदान का तुमसे कोई वास्ता नहीं होगा। तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो, जैसे जाना चाहते हो जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ये फाइल उठाओ और निकल जाओ यहां से। आज के बाद इस घर में, इस ऑफिस में अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मां साहब। अब देव, बाहर निकालो इस इंसान को। मां साहब। अबे मां साहब। अबे दादा, अब तो मत करो ना। अबे मुझे कुछ नहीं सुनना, मास्टर ने कह दिया तो कह दिया, और इस घर में कभी कदम मत रखना। अभी कुछ कहना है तुम्हें? अभी जी दादा, कुछ कहना था? नहीं दादा, मैम बस। हाँ तो मासा, मैं नए प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में जो बता रहा था, एक बार आप देख लीजिए। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से हो दूर, चांदनी कहाँ। साहब, अब हमारे दोनों बेटों की शादी और रोमांस की उम्र है। बेटों की क्या, पोतों की भी शादी और रोमांस की उम्र हो जाए ना, फिर भी मैं ऐसे ही तुम्हारे लिए गाना गुनगुनाता रहूंगा और मेरा प्यार जताता रहूंगा। आप भी ना। साहब, वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है ना। हमारे दोनों बेटे इतनी जल्दी बड़े हो गए, हमें पता ही नहीं चला। कुछ ही दिनों में अवि की दुल्हन, हमारी बहू इस घर में आने वाली है। सच बात है चंदा। क्या बात है साहब, आप परेशान लग रहे हैं। नहीं चंदा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल हमारे पास अभी कुछ कहने आया था, फिर मैं उसके कमरे में भी गया था उससे बात करने, और तब तक वो सो चुका था। साहब परेशान मत होइए, अभी अभी आप इतने बड़े संकट से उभरे हैं, आप अभी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हमने कल ही करिश्मा से बात की थी, और जितनी बार हमारी करिश्मा से बात होती है उतनी बार हमें और भी यकीन हो जाता है कि अवि के लिए करिश्मा बिल्कुल सही है। अब बस अच्छा सा मुहूर्त निकलवाकर नवरात्रों में ही हम सगाई की तैयारियां शुरू कर देंगे। फिलहाल के लिए हम सबको आज की मीटिंग पर ध्यान देना चाहिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।